देहरादून के परेड ग्राउंड में चल रहे 5 दिवसीय युवा महोत्सव में स्पोर्ट्स साइंस पर कार्यशाला का आयोजन किया गया था। कार्यशाला में विशेषज्ञों द्वारा खिलाड़ियों को खेल के प्रति जागरूक किया गया, साथ ही खेल से रोजगार के बढ़ते अवसरों के बारे में जानकारी दी गई। वहीं कार्यशाला में पहुंचे खेल विभाग के विशेष प्रमुख सचिव अमित सिन्हा ने बताया कि कार्यशाला में स्पोर्ट्स कॉलेज के बच्चों के साथ ही कोच भी मौजूद रहे। कार्यशाला के जरिए खिलाड़ियों को अपने भीतर छिपी प्रतिभा को निखारने के साथ ही खेल से रोजगार में मिलने वाले लाभ की जानकारी दी गई। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। आपने खुद देखा कितना जोश है बच्चों में और कोचेज जो आए हुए उनमें, बाहर से जितने खिलाड़ी आए उनमें भी जोश है। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है कि इस सेशन के माध्यम जो आपने देखा, भारत से काफ़ी नामी गिरामी लोग आए हैं जो कि स्पोर्ट्स साइंस पे, फिजियोथेरेपी पे, आज जैसे देखा नेवी से उनके नेवी स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के सेक्रेटरी आए थे। तो ऐसे लोग आके हमारे लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं जिससे कि हमारे लोगों में स्पोर्ट्स के प्रति जो भावना है, वो जो अगर पुरानी ऐसी भावना जिससे कि उनको उनमें डेवलपमेंट नहीं हो रहा, उस भावना को हटाना है और डेवलपमेंट वाली भावना को डालना है। तो इस भावनाओं के लेके ये कॉन्क्लेव हो रहा था और आज हमारा 3रा दिन है, 2 दिन और बचे हैं, 2 दिन हमारे और भी गेस्ट आएंगे जिनसे हम लगातार बात करेंगे।